सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और माता के भक्तों के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्त पहुंचे हुए हैं। बता दें कि नवरात्रि का आज छठवां दिन है और माँ कात्यायनी के रूप में आज माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र का छठवां दिन है, वहीं मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त माता के मंदिर में पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। बता दें, नवरात्रि में 9 दिन का विशेष महत्व होता है और 9 दिन भक्त माता की पूजा अर्चना बड़े ही भाव तरीके से करते हैं और माता के इस दिन विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, चैत्र नवरात्रि का आज छठवां दिन है, आप मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ खास देखने को आज मिल रहा है? आज जो चैत्र नवरात्रि छठा दिन है और देखा जाए तो आज माँ जो है कात्यायनी के रूप में जो है लोग भक्तों को दर्शन देती है और उसके बाद देखा जाए तो माँ जो है उनको जो आज जो भोग है वो शहद और मिठाई का भोग लगता है, जिस पर देखा जाए तो माँ जो है लोगों को धर्म अर्थ और हर चीज़ को लेकर के जो आशीर्वाद भक्तों को प्रदान करती है। और जो रही बात भक्तों की, तो भक्तों का लगातार ताता आता आता लगा हुआ है। उपेंद्र, आप मंदिर में मौजूद हैं, एक बार हमारे दर्शकों को पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, क्या कुछ देखने को मिल रहा है छठवें दिन? जी बिल्कुल, मैं अपना कैमरा पर्सन विनय से कहूँगा कि दिखाए किस तरीके से जो मंदिर जो है पूरी तरीके से जो लोगों का जो माता रानी दर्शन करें तो छठा दिन है और लगातार जो है माता रानी दर्शन करते हुए लोग चले आ रहे हैं और भक्तों को ताता लगा हुआ है और आपको साक्षात जो है बिल्कुल आप देख जाए कि लाइव तस्वीरों में जो माता रानी दर्शन जो है बिल्कुल आपको करा रहे हैं। और देखा जाए तो आज जो माँ है वो जो सबकी जो मनोकामनाएं है वो पूर्ण होती हैं। आज हम जो है दबौली जो है यहाँ पे लगभग देखा तो लगभग 70 से 80 वर्ष पुराना जो मंदिर है, इस मंदिर पर आए हैं और हमारे साथ जो है पुजारी जी हैं। पुजारी जी बताएंगे किस तरीके से, पुजारी जी ये इस मंदिर का इतिहास क्या है? पंडित जी आप आ रहे हैं, पंडित जी बताएंगे किस, पंडित जी किस तरीके से मंदिर का इतिहास क्या है और किस तरीके से आज जो है माँ जो छठा दिन नवरात्र का किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? आज माता कात्यायनी का पूजा होती है, आज छठवां नवरात है और यहाँ दबौली दुर्गा मंदिर में भोर से ही भक्तों का तादा लगा रहता है। यहाँ पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बहुत शक्तिपीठ मंदिर है और इतिहास माने तो पहले बाबा थे ब्रह्मलीन पंडित सुरेंद्र नाथ दीक्षित जी और उनके एक स्तंभ है मंदिर के और उनके सभी मित्रगण द्वारा मंदिर स्थापित किया गया है। यहाँ पर पंडित जी जैसे किस तरह के देखा तो कंछेदन और मुंडन का जो प्रथा पुरानी चली आ रही है, आसपास के गांव जो पहले थे वो यहाँ पे आते थे, उसी क्या प्रथा है? आज भी यहाँ पे कंछेदन मुंडन नवरात के शुरू हो जाते हैं, नवरात भर यहाँ पे भक्तों की बहुत भीड़ लगी रहती है, कंछेदन मुंडन सभी कार्य पूर्ण होते हैं यहाँ पे। देखा है तो साफ पुजारी जी कहना है कि जो कंछेदन और मुंडन का जो प्रथा है वो प्रथा पूरी तरह से चली आ रही है। उपेंद्र, आपके आसपास से तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें, क्या कुछ उनकी मान्यता है मंदिर को लेकर? जी अभी बताते रहे, मैं सब जो भक्त गण है वो भक्त बताएंगे कि किस तरीके से सब भक्त भी हैं, बताएं क्या नाम है आपका? शिवम शुक्ला भैया। किस समय से आप इस मंदिर पर आ रहे हैं और इस मंदिर से आपकी क्या आस्था जुड़ी है? हम 6-7 साल से इस मंदिर में आ रहे हैं, मेरा मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी से जुड़े हुए हैं और हम सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे सेवा करते हैं मंदिर में। इस मंदिर में क्या जो है जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, किस तरीके से विधि विधान से पूजा करते हैं आप यहाँ करके? यहाँ जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो कुछ लोग घंटी चढ़ाते हैं, कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो लोग बहुत अच्छे आकर दर्शन करते हैं मंदिर का। साफ भक्तों साफ कहना कि यहाँ माँ की जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उपेंद्र, भारी संख्या में मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कैसी व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है मंदिर परिसर में? जी अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की है तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है और नगर निगम जो है पूरी तरीके से सक्रिय है और देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो नगर निगम मंदिर जो प्रांगण है पूरी तरीके से साफ सुरक्षित और लोगों को देखते हुए जो कोरोना काल को देखते हुए पूरी तरीके से साफ सफाई मौके पर है। उपेंद्र, आपके पीछे जयकारे की आवाज आ रही है, आप मंदिर में मौजूद है, एक बार पूरी तस्वीर एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल, दिखाते चले भक्तों को पूरी तस्वीर दिखाते चले, देखिए किस तरीके से लोग माँ के दर्शन कर रहे हैं और पूरी तरीके से माँ से मनोकामनाएं पूरी के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और माँ के दर्शन करने के बाद अगर देखा जाए तो लोग जो हैं आज नवरात्र के छठा दिन है उसको लेकर के पूरी तरीके से जो माँ कात्यायनी के रूप में जो है आज जो माँ है वो दर्शन देती हैं। देखा जाए देश में कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा भी देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्या कोरोना को देखते हुए कोई प्रोटोकॉल जारी किया गया है?
जी अभी देखा था कोरोना की स्थिति जो है वो कोरोना की स्थिति पूरी तरीके से अभी इतनी सक्रिय नहीं है कानपुर में, पर हाँ कहीं ना कहीं देखा जो H3N2 जो वायरस है उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट जारी किया हुआ है, पर अभी तक देखा है तो मंदिर में इस तरह की कोई स्थिति देखने को नहीं पाई गई है। तो हमारे संवाददाता कानपुर से आपको माता रानी के लाइव दर्शन करवा रहे थे। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का कतार लगा हुआ है। उपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि बड़े ही भाव से माता की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का छठा दिन बेहद ही खास माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का आज छठवां दिन है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, भक्त भारी तादाद में मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज माँ कात्यायनी के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। बता दें कि माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की बात करें तो माता रानी का स्वरूप अत्यंत भव्य व चमकीला है। माँ की चार भुजाएं हैं और माँ का वाहन सिंह है। बता दें कि नवरात्र में पूरे 9 दिन का बेहद ही खास महत्व होता है और आज नवरात्र का छठा दिन है। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। तो नवरात्रि छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माता के स्वरूप की उपासना करने से अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। इनकी चार भुजाएं हैं, इनका वाहन सिंह है, ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सुबह से ही माता की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का कतार देखने को मिल रही है। और बता दें कि मंदिर परिसर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बता दें नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन भक्तिभाव से आराधना की जाती है। वहीं नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। माँ कात्यायनी देवी का रूप बहुत आकर्षक है। इनका शरीर सोने की तरह चमकीला है। माँ कात्यायनी की चार भुजा है और इनकी सवारी सिंह है। माँ कात्यायनी के एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में कमल है, फूल सुशोभित है, साथ ही दूसरे हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस कारण माँ कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को शहद से बनी चीजों का भोग भी लगाया जाता है। बता दें नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इससे उनका विवाह जल्द और अच्छा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि माँ का ध्यान गोधूली बेला यानी शाम के समय में करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी शत्रुओं का नाश कर रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। माँ को पान और शहद से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। बता दें कि नवरात्र का
पावन पर्व चल रहा है और नवरात्र का छठवां दिन है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नवरात्र के पावन पर्व को देखते हुए श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर में पहुंचे हुए हैं और माता की पूजा अर्चना कर विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बता दें, नवरात्र के 9 दिनों का बेहद ही खास महत्व होता है। भक्त बड़े ही भक्ति भाव के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं। बता दें कि हिंदुओं में नवरात्र का बेहद ही खास महत्व होता है। चैत्र नवरात्र का छठवां दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। बता दें, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। राक्षस महिषासुर का वध करने के कारण इन्हें दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी के बारे में। बता दें, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। राक्षस महिषासुर का वध करने के कारण ही माता को पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। बता दें कि भक्त आज के दिन माँ की बेहद ही भाव तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। हम आपको बताते हैं कि माँ कात्यायनी नाम क्यों पड़ा। बता दें, देवी पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने के कारण ही माँ दुर्गा के स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रि के छठे दिन माँ की पूजा करता है, माँ के आशीर्वाद से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ ग्रंथों में यह भी माना गया है कि वह देवी शक्ति का अवतार है। उन्हें यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की थी। महिषासुर के अत्याचारों से जब संसार संकट में था, तब देवी कात्यायनी ने उनका वध कर दिया। जैसे ही वह राक्षस महिषासुर के सामने पहुंची, उसने सभी हथियारों से लैस सिंह से खुद को अलग कर लिया था। राक्षस ने एक बैल का रूप धारण किया और देवी उनकी पीठ पर उछल पड़ी। उससे अपने कोमल पैरों से उनके सिर के नीचे धकेला और फिर उनकी गर्दन मरोड़ दी। इसलिए उनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा। बता दें, माँ कात्यायनी स्वरूप माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ का शरीर सोने की तरह चमकीला है। माँ की 4 भुजाएं हैं और माँ सिंह यानी शेर की सवारी करती हैं। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। माँ के दूसरे हाथों में वर और अभय मुद्रा में है। बता दें, माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग लाल रंग है। माँ के भोग की बात करें तो इनको शहद बहुत प्रिय है। इस दिन भोग के रूप में माता रानी को शहद अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से आपकी आकर्षक शक्ति में वृद्धि होती है और वही माँ आपको काया का वरदान करती हैं। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के छठवें दिन माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहते हैं, माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। वहीं इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ कात्यायन के घर में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी रखा गया। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग शीघ्र हो तो भी विवाह हो जाता है। वहीं इस खास पर्व को लेकर सभी भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त मंदिर में माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए हैं, जिसके चलते मंदिरों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। बता दें कि आज चैत्र नवरात्र का छठवां दिन है। चैत्र नवरात्र में छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, भक्त सुबह से ही माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच चुके हैं। कहते हैं, माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाती है।
मां कात्यायन के घर में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी रखा गया। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी मानी जाती है। अगर कुंडली में विवाह के योग ना हो तो विवाह हो जाता है। वहीं इस खास पर्व को लेकर सभी भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सभी भक्त माता के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए हैं, जिसके चलते मंदिरों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। बता दें कि आज मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्र का हिंदू धर्म में काफी विशेष महत्व होता है और भक्त बड़े ही भक्तिभाव के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं और माता का विशेष फल प्राप्त करते हैं। मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। राक्षस महिषासुर का वध करने के कारण इन्हें दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्र का छठवां दिन है और भक्त सुबह से ही मंदिर में पहुंचे हुए हैं। बता दें सीएम योगी द्वारा एक बेहतरीन पहल की गई है। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी मंदिरों में सरस्वती पाठ और दुर्गा पाठ कराने के निर्देश दिए हैं। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष, आज चैत्र नवरात्रि का छठवां दिन है, आप प्रयागराज के मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ आज खास देखने को मिल रहा है? नौ स्वरूपों में पहले स्वरूप माँ का पहले दिन पूजा अर्चना के शुभारंभ के साथ आज छठा दिन है। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना चल रही है, जिस तरीके से आज हम प्रयागराज के एक शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्त आ रहे हैं और माँ की पूजा अर्चना के लिए अंदर गर्भगृह में पहुंच रहे हैं। हम आपको अंदर ले चलेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है और यहाँ पे जो भी ये कहा जाता है, जो भी यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके आता है वो जरूर पूरी होती है, क्योंकि शक्ति का बताया जाता है कि शक्ति की यहाँ पे जब भी अंग और वस्त्र और भूषण गिरे थे उन्हीं 51 शक्ति पीठों में से एक ये शक्तिपीठ मंदिर है जहाँ पे माता की उंगली गिरी थी, इसलिए यहाँ पे इसे ललिता देवी मंदिर कहा जाता है। और ये प्रयागराज के यमुना तट से कुछ ही दूर पर ये मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अंदर आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे जिस तरीके से महिलाएं देख रही हैं पूजा अर्चना चल रही है, पूजा अर्चना चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माँ की यहाँ पे तीन मूर्त है, देख सकते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीन स्वरूप है माता का। और हमारे साथ यहाँ पे मंदिर के पुजारी है, हम उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी, हम आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से नवरात्र का आज छठा दिन है तो किस तरीके से माँ को पूजा अर्चना करने से किस तरह का विशेष फल प्राप्ति होते हैं? देखिए भगवती का पूजन अर्चन तो वैसे ही सदैव कल्याणकारी लाभदायक है, किंतु नवरात्रि के नौ दिन भगवती का पूजन अर्चन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के मंत्र कुछ विशेष मंत्र हैं, इनका संपुटित लगाकर पारायण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आज यहाँ पे किस तरीके से आज देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है, तो माँ की आज के दिन की खास तरीके की क्या पूजा होती है, क्या चढ़ाया जाता है, किस तरीके का इनको जो भी पूजा सामग्री, तो क्या आज के दिन किस तरीके की पूजा अर्चना का विधि विधान है? देखिए आज के दिन जो है वो आज कात्यायनी, आज भगवती के कात्यायनी, आज छठवां दिन है, भगवती के कात्यायनी स्वरूप का दर्शन पूजन होता है। कहते हैं कात्यायनी देवी की पूजा करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। देखा जिस तरीके से महाराज ने बताया कि यहाँ पे जिस तरीके से माँ की कात्यायनी की पूजा करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, देख सकते कितना खूबसूरत श्रृंगार किया गया है, भव्य मूर्ति है। और यहाँ पे देख सकते हैं माँ लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, यहाँ तीनों माँ की मूर्तियों की आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यह एक शक्तिपीठ प्रयागराज का है माँ ललिता देवी, और जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी बहुत सी खड़ी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी हम बात करेंगे आपसे एक बात।
माता जी आप यहाँ कितने सालों से आ रही और नवरात्रि दिन के किसी से आपके यहाँ माँ के यहाँ पूजा करती हैं? हाँ भैया, हम तो 25-26 साल से यहाँ हैं, बगल के घर है मेरे, और जो है बहुत माँ में शक्ति है, वहाँ काली महालक्ष्मी वहाँ सरस्वती माता की उंगली यहाँ गिरी थी, उस नाम से प्रसिद्ध है यमुना के किनारे, और बहुत यहाँ के पुजारी पंडित बहुत जो है नियम से रहते हैं। इस तरीके से आज आपने माँ की पूजा की, क्या मनोकामना की? मनोकामना करें कि सब अच्छा रहे, देश दुनिया अच्छा रहे, सब बढ़िया रहे। यहाँ पर बाबू जी हमारे 15 साल से कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये बुजुर्ग श्रद्धालु महिला थी जिन्होंने यहाँ पे 26 साल से आ रही है पूजा अर्चना कर रही है। यहाँ पे कुछ युवतियाँ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कहा जाता है कि कात्यायनी माँ की पूजा करने से जो भी विवाह में अर्चना आती है और जो भी मन चाहवर है वो भी प्राप्त होता है, और आज के दिन यहाँ पे बहुत सी महिलाएं देख रहे हैं कि यहाँ पे पाठ कर रही है, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ पे बैठ के दिन ये पूजा कर रही है। आप कितने साल से आ रही है, किस तरीके से आज माँ की पूजा की, क्या आपने वर्त माता रानी आपको खुला नहीं है और नौरात चल रहा है, माता आज का कल्याण का दिन है और सब पे अपनी दया बरसाए, सबका कल्याण, यही हमारी शुभकामना। तो माँ से इन्होंने सबके लिए शुभकामना मांगी, माँ के से कहा कि सबका कल्याण हो, अपने परिवार के साथ सभी का कल्याण माँ से मांग रही है। अगर बात करें यहाँ पे सुरक्षा की, तो आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से सीएम योगी ने पहले भी अपने घोषणा में कह दिया था कि नवरात्रि से पहले सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो हर जितने भी प्रदेश के मंदिर है वहां पे सुरक्षा की विशेष तौर से की जाएगी, और आप देख सकते हैं यहां पे पीएससी के जवान लगे हैं, आप देख सकते हैं पूरी पूरी यहां पे सुरक्षा की व्यवस्था करी गई, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो यहां पे, और जो भी सुरक्षा की जितने भी वो अपनाए जा रहे हैं, जो पुलिस के जवान लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और देख सकते हैं अभी भी पूजा पाठ यहाँ पे किस तरीके से अंदर चल रहा है आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं सब शिला की पूजा कर रही है बताया जाता है, यहाँ पे जो भी मनोकामना के साथ देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा सामग्री में टिकली है, चंदन है, और माँ की चुंदरी है, कुमकुम है, सिंदूर है, तो सभी आज के दिन जो भी माँ के श्रृंगार का सामान और जो भी पूजा सामग्री माँ को चढ़ाते हैं वो जरूर उनकी मनोकामना कामना पूरी होती है। जी आशीष, सीएम योगी द्वारा बेहतरीन पहल की गई कि सभी मंदिरों में सरस्वती पाठ और दुर्गा चालीसा पाठ किया जाएगा, तो आप जिस मंदिर में मौजूद है वहाँ इसकी व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? देखिए जिस तरीके से सीएम योगी द्वारा ये पहल की गई है, हर मंदिरों में बताया, आपको बता दें कि प्रदेश की जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे सप्तंदी पाठ, और क्योंकि नवमी का पर्व है, रामनवमी का भी पर्व है, तो राम कथा भी ज्यादातर मंदिरों में, प्रमुख मंदिरों में चल रही है। आपको दिखा सकते हैं सामने, देखिए यहाँ पे सामने आपको दिख भी रहा होगा जिस तरीके से तस्वीर में कि श्री श्री सप्तंदी महायज्ञ यहाँ पे सुबह शाम यहाँ पे यज्ञ होता है, आप यहाँ देख सकते हैं यज्ञ कुंड है, यहाँ पे अभी यज्ञ हो चुका है, अब शाम को फिर से यहाँ पे यज्ञ होगा। तो जो ये पहल करी गई है तो, और जो ये कथा का ये यहाँ पे सीएम योगी की तरफ से ये पहल करी गई है, तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को जोड़ने की, और जिस तरीके से हमारी लोक संस्कृति को, लोक कला का भी प्रोग्राम रखा जा रहा है, भक्ति संगीत का भी रखा जा रहा है, जहाँ जहाँ एक लुप्त होती जा रही थी हमारी संस्कृति, तो उसको एक जगाने का, एक न्यू डालने का भी काम किया है सीएम योगी ने। जी आशीष, देखिए कहीं ना कहीं देश में कोरोना का खतरा भी देखने को मिल रहा है, लगातार धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई प्रोटोकॉल जारी किया गया है? देखिए जिस तरीके से फिर धीरे धीरे कोविड के लक्षण देख रहे हैं तो मिल रहे हैं, और प्रयागराज में भी एक कोविड लक्षण मिला है, और आपको बता दें यहाँ पे अब पर श्रद्धा के आगे, आपको बता दें श्रद्धा के आगे किसी तरीके का लोगों में भय नहीं, पर लोग अपने सुरक्षा के लिए अभी भी लोग अपना मास्क, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भक्त श्रद्धालु हैं, देखिए ये मास्क लगा के आए हैं और ये पूजा अर्चना कर रहे हैं, अभी इनसे भी हम बात करेंगे। आप यहाँ आए हैं मंदिर में आए हैं, शक्तिपीठ मंदिर है ये, तो किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हो, जो कोविड का देखा जा रहा फिर से कहीं ना कहीं फिर से कोविड के बढ़ रहा है, तो क्या उसके लिए कहते हैं? कृपा है सब, और क्या जगदम्बे भवानी, अब इनके बारे में हम लोग की तो औकात है नहीं कुछ बताने की, लोगों का आस्था है, लोग यहाँ आते हैं माँ के चरणों में, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि माँ की आस्था है, माँ के आगे हम लोग को कोई जोर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आस्था के आगे किसी तरीके की महामारी इनको नहीं दिखती। जी जी,
तो हमारे संवाददाता प्रयागराज से आशीष भट्ट आपको माता रानी के दर्शन करवा रहे थे। आपने देखा कि बेहद ही भव्य तरीके से माता की पूजा अर्चना की है। वहीं कहीं ना कहीं कोविड का खतरा भी बढ़ रहा है, जिसको लेकर भक्त एहतियात भी बरतते नजर आए। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।